हेलो स्टूडेंट, आज आपका पहले यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, थर्ड पेपर के फर्स्ट यूनिट के, तो उस टॉपिक का नाम है रीलिंग ऑफ सिल्क एंड डिसीज ऑफ सिल्क वॉर्म। मतलब रेशम को अपन कैसे काटेंगे बुनना और उनके धागों को कपड़े के रूप में प्राप्त करना, और जो रेशम कीट है उसमें होने वाले रोगों के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जो इससे पहले जो एक कंटेंट था या एक लेक्चर था जिसके अंदर आपको रीलिंग और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब रेशम कीट का पालन पोषण कैसे करते हैं या उसकी सार संभाल कैसे करते हैं या देख रेख कैसे करते हैं, तो उसके अंदर अपन ने एग से लगाकर कोकून बनने तक की प्रक्रिया को की प्रक्रिया की देखभाल, साल संभाल और उसको कैसे पालन किया जाएगा, उसकी कैसे देख रेख की जाएगी, किस कंडीशन में, किस वातावरण में, किस जगह पर उसको रखा जाएगा। तो कोकून बनने तक की प्रक्रिया के बारे में जानकारी अपने शेयर की थी मैंने आपके साथ और आपको बताया गया था। उसके पश्चात जैसे ही कोकून बन जाता है तो कोकून से धागे जो रेशम के होते हैं उसको कैसे निकालना है, तो उसको अपन कहेंगे रीलिंग ऑफ सिल्क यार्न, मतलब रीलिंग मतलब रील के ऊपर उसको लपेटना रेशम के धागों को। तो इसको पोस्ट कोकून प्रोसेस की भी कहते हैं, मतलब पोस्ट कोकून, कोकून बनने के बाद की जो प्रक्रिया है जिससे क्या है कि कोकून से एडल्ट उसके वयस्क अवस्था निकलने से पूर्व उससे रेशम के धागों को निकाल लेना, तो इसको बोलेंगे पोस्ट कोकून प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर दो मेथड्स अप्लाई होते हैं या दो प्रोसेस और होते हैं इसके अंदर पोस्ट कोकून के बाद, जिसको बोलते हैं स्टेपलिंग और रीलिंग। स्टेपलिंग ऐसा होता है कोकून को गर्म पानी के अंदर डाल के उससे धागे अलग करना होता है, रीलिंग होता है मतलब बुनना, कातना या लपेटना, रीलिंग का अर्थ रील से, रील गोल गोल जो रील होती है उससे इसका तात्पर्य है रीलिंग का, तो उसको चरखी के चारों तरफ लपेटना। तो स्टेपलिंग पहला मेथड से स्टेपलिंग या प्रोसेस कहें इसको। स्टेपलिंग के अंदर द सिल्क वॉर्म इज हिडन फ्रॉम व्यू विद इन 24 आवर्स एंड द 3 डेज द कोकून इज कम्प्लीट टू साइज एंड शेप ऑफ द पिनेट सिल्क। मतलब 3 दिन के अंदर द सिल्क वॉर्म इज हिडन फ्रॉम व्यू, जो सिल्क वॉर्म अपन को आपको देखना बंद हो जाती है और वो अपने चारों तरफ एक कोकून का निर्माण करती है जिसके अंदर वो वॉर्म लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट होती है और प्यूपा से फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे अपना फिलामेंट, ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर चर्चा की। द फिलामेंट इज इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ फिब्रो, जो तंतु होता है रेशम का वो डबल स्ट्रैंड में होता है, मतलब उसके दो स्ट्रैंड होंगे और वो किसका बना होता है, फिब्रोन का, ये भी अपने पहले चर्चा कर दी। और वो गमी सबस्टेंस, एक गमी पदार्थ, गम की तरह, गोंद की तरह उससे आपस में चिपके हुए होते हैं जिसको सिल्क गम या सिरिसिन बोलते हैं। तो अपन ने पहले ही लेक्चर्स में बात की थी कि जो सिल्क है, रेशम है, उसके अंदर फिब्रियन ये प्रोटीन होते हैं जो कि फिब्रियन 80% होता है और सिरिसिन 20% होता है। एज दिस कटिंग थ्रू द डैमेज ऑफ कोकून द फिलामेंट्स कैन नॉट बी अनवाइंड इन ए वन लॉन्ग। यदि उस कोकून को अपन उससे वयस्क अवस्था निकलने से पूर्व यदि उस कोकून का उपयोग नहीं ले, अपन स्टेपलिंग नहीं करें, उससे धागे नहीं बनाए, तो या फिर कोकून किसी प्रकार से डैमेज हो जाता है तो उसका जो धागा है रेशम का या तंतु के, वो तंतु को अपन अनवाइंड नहीं कर सकते और उसको लॉन्ग थ्रेड, एक लंबा धागा कंटिन्यूसली अपन उसको नहीं निकाल सकते। तो इस कोकून को सही समय पर स्टेपलिंग करना जरूरी होता है, अन्यथा या तो इसमें जो लार्वा होगा वो प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसको छेद करके उससे बाहर निकल जाएगा, तो वो भी उसको लॉन्ग थ्रेड्स को ब्रेक कर देगा, या फिर किसी न किसी स्थिति से वो डैमेज हो गया तो फिर उससे जो क्वालिटी का धागा है रेशम का वो अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। द लाइफ साइकिल इज टर्मिनेटेड एट दिस पॉइंट। तो स्टेपलिंग के समय क्या होता है, लाइफ साइकिल एकदम स्टॉप होती है, मतलब वहाँ से प्यूपा से एडल्ट नहीं बनेगा। द पॉइंट विच प्रोसेस इज नोन एज स्टॉपिंग आर स्टेबल। तो इस जगह पर जहाँ लाइफ साइकिल को अपन क्या करते हैं, कोकून को यदि गर्म पानी में उबालने के लिए डाल देते हैं उससे धागे अलग करने के लिए, तो उसकी लाइफ क्या है, वही स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्टेपलिंग या स्टॉपिंग। द कोकून आर हीटेड टू ए सफोकेट द क्रिस्टलिस बट द डेलीकेट सिल्क फिलामेंट इज नॉट हार्म। तो इसमें क्या है, सफोकेट मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है कोकून, लेकिन किसी प्रकार का उसके फिलामेंट्स, उसके धागे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है जब कोकून को अपन गर्म करते हैं और उससे कोकून से रेशम का धागा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, स्टेपलिंग बोलते हैं, और ये उसके अंदर एडल्ट वयस्क बनने से पहले ये प्रक्रिया
अपनाई जाती है। और इफ लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूट द क्रिसलिसिस इन साइड द कोकून डेवलप्स इन टे मोथ विद इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के अंदर यदि अपन उसको 2 सप्ताह से पूर्व, ठीक है ना, बेटर डेवलप्ड होता है पूर्ण रूप से विकसित हुए कोकून को यदि उपयोग नहीं ले, तो 2 वीक्स के अंदर क्या होता है, उससे जो वयस्क मौत है या वयस्क रेशम क्या कहते हैं ये बॉम्बिक्स मुराए हुए या रेशम कीट हुआ वो उससे इमर्ज होके उससे बाहर निकल, टू इमर्ज द मौत ब्रेक्स अपॉन, तो ये अपने पहले ही चर्चा कर ली। यदि कोकून का आप अपन पहले नहीं उपयोग ले नहीं लेते हैं तो उसके अंदर जो पीपा से वयस्क अवस्था विकसित हुई है वो क्या करती है, कोकून को एक जगह से पिघला के अल्कालाइन सीक्रेट करती है जिससे वो एक जगह से पिघल जाता है और वो फिर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है जो उसका फिलामेंट से वो पूरा पूरा घुल जाता है, तो पूरा जो तंतु है कोकून जिससे बना हुआ है रेशम से वो घुल जाता है, तो वो फिर बाद में काम नहीं आता। तो रेशम की वयस्क अवस्था से बनने से पूर्व उस कोकून का अपन को रेशम प्राप्त करने के लिए उपयोग में ले लेना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, स्टेपलिंग। डिस्टेपलिंग के बाद क्या करते हैं, उसको बड़ी मशीनों पे ले जाया जाता है जिससे कि धागा अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लेचर ऑपरेशन। एक चरखी होती है ऐसी एक मशीन होती है जिससे रेशम के धागे को अलग करना होता है। द कोकून आर डिलीवर्ड टू ए फैक्ट्री कॉल्ड फ्लेचर, तो इनको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, तो वहाँ पर एक मशीन होती है जिससे इस धागे को अलग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लेचर। आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट प्रोसेस टू अनवाइंड द सिल्क, जिससे क्या धागे को अलग करते हैं, अनवाइंड मतलब वाइंड हुआ हुआ था, ठीक है ना, उसको अनवाइंड करना पड़ता है। तो इस ये अनवाइंड किसके थ्रू किया जाता है, तो ये फ्लेचर प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, या चरखियाँ होती हैं जो धागे को अलग करती है। द स्ट्रैंड्स आर कलेक्टेड इनटू स्किन्स, तो जो धागे जितने भी हैं उनको स्किन्स के अंदर स्किन के रूप में मतलब लच्छों के रूप में कलेक्ट किया जाता है। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन आर द फॉलोज, तो इसके जो अलग अलग ऑपरेशन है स्टेप वाइज इसको फॉलो किया जाता है। तो पहले किया जाता है कोकून को सॉर्टिंग ऑफ, कोकून को अलग करना है उसकी क्वालिटी के आधार पर। द कोकून विच आर ओपनेड फर्स्ट सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कलर्स, तो उसकी क्वालिटी के आधार पर मतलब वो किस प्रकार के हैं, उनका रंग कैसा है, उनकी साइज कैसी है, उनका शेप कैसा है, उनका टेक्सचर कैसा है, तो कोकून की क्वालिटी कैसी है उसके आधार पर कोकून को पहले सॉर्टिंग मतलब कोकून को अलग अलग करना। सॉफ्टनिंग द सिरिसिन, सिरिसिन जो गम होता है जिससे क्या होते हैं जो फिब्रियन प्रोटीन है, फिब्रियन और सिरिसिन इन दोनों से मिलकर सिल्क बनता है, रेशम बनता है, तो जो सिरिसिन है वो गम की तरह होता है जो फिब्रियन धागों को आपस में बाइंड करके रखता है मतलब जोड़े रखता है, तो उसको सिरिसिन को मुलायम किया जाता है जिससे कि अपन धागों को अलग कर सके, तो दूसरा प्रोसेस वो है। तीसरा प्रोसेस रिलिंग द फिलामेंट्स, जो रेशम का तंतु है उसको रील पर लपेटना, तो रिलिंग मतलब लपेटना उसको रील, सॉरी। ये 3 प्रोसेस इसके अंदर फ्लेचर ऑपरेशन के अंदर अपनाए जाते हैं स्टेपलिंग के बाद, कोकून को मुलायम करने के बाद उनको धागों को निकाल अलग अलग करने के लिए ये फ्लेचर का ऑपरेशन या फ्लेचर तकनीकी के अंदर तकनीकी के थ्रू इसको धागों को अलग किया जाता है, और जिसके 3 स्टेप्स है सॉर्टिंग कोकून्स, सॉफ्टनिंग द सिरिसिन, रिलिंग द फिलामेंट्स। तो सॉफ्टनिंग सॉर्टिंग कोकून अपन ने पढ़ लिया, दूसरा है सॉफ्टनिंग द सिरिसिन, सिरिसिन को आप कैसे अलग करोगे फिब्रियन से, जो रेशम का रेशम है जिसके अंदर फिब्रियन और सिरिसिन है, तो सिरिसिन को आप कैसे मुलायम बनाओगे। द सॉर्टेड कोकून्स आर हीटेड इन ए बॉइलिंग वाटर टू सॉफ्टन द गबी सब्सटेंस दैट होल्ड्स द कोकून फिलामेंट्स, तो ये अपन ने बात कर ली, जो धागे हैं रेशम के या जो तंतु है रेशम के, तो वो फिब्रियन के बने होते हैं, और फिब्रियन जो आपस में फिब्रियन के बहुत सारे तंतु आपस में जुड़े होते हैं जिसको जोड़े कौन रखता है, सिरिसिन, तो इसको गर्म करके अलग किया जाता है। दिस परमिट्स द अनवाइंड, तो इसकी वजह से क्या होता है वो धागे धीरे धीरे खुलने लगते हैं, जो उलझे हुए थे वो सुलझने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। द परमिट्स द अनवाइंडिंग ऑफ फिलामेंट्स एज वन कंटिन्यूस थ्रेड, एक कंटिन्यूस धागे के रूप में, एक लंबे धागे के रूप में जो कहीं बीच में टूटा हुआ नहीं था। रॉ सिल्क कंसिस्ट ऑफ अबाउट 8% फिब्रियन एंड टोटी, ये भी अपन ने पहले ही बात करती, जो कच्चा रेशम होता है, रॉ मतलब कच्चा रेशम, कच्चा जो रेशम का धागा होता है जिसके अंदर 80% फिब्रियन होता है, 20% सिरिसिन होता है, ये पूर्व के ई लेक्चर्स में अपन चर्चा कर चुके हैं। एट दिस स्टेज ओनली 1% ऑफ सिरिसिन इज रिमूव्ड बिकॉज दिस सिल्क गम इज नीडेड प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक होता है। तो इस समय पर जब आप सॉफ्टनिंग ऑफ सिरिसिन करते हैं तो ओनली 1% सिरिसिन मुश्किल से रिमूव होता है ड्यूरिंग द फर्दर हैंडलिंग ऑफ द डेलिकेट फिलामेंट्स। एट दिस स्टेज ओनली अबाउट 1% ऑफ द सिरिसिन इज रिमूव्ड बिकॉज दिस सिल्क गम इज नीडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फर्दर हैंडलिंग ऑफ द डेलीकेट, जब आगे अपन उस धागे को अलग अलग प्रोसेस में लेके जाते हैं तो वहाँ भी धागे को हैंडलिंग करने के लिए मतलब धागा सुरक्षित रहे तो सिरिसिन का उसके साथ होना जरूरी है। तो इस प्रक्रिया में सिर्फ 1%
सीरी से नहीं रिमूव होता, मतलब 1% सीरी से नहीं अलग हो पाता, बाकी सीरी से बचा रहता है वो द्वीप, क्योंकि वो उसका रहना भी जरूरी है। यदि वो नहीं रहेगा तो फिर वो धागा और सॉफ्ट हो सकता है या ब्रेक डाउन हो सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सीरीसिन का बाकी रहना भी जरूरी है। तो ये दूसरा प्रोसेस स्टेप हो गया किसके अंदर, इसके फ्लेचर ऑपरेशन के अंदर, जहाँ अपन मशीन्स में ले जाके धागों को करते हैं, तो उसका दूसरा स्टेप हो गया। ये तीसरा जो स्टेप है उसके अंदर रिलिंग था फिलामेंट्स, तो तंतु आपने सॉफ्ट ने कोकून को अलग कर लिया, ठीक है ना। कोकून को अलग करने के बाद अपन ने सीरीसिन को मुलायम कर लिया, उसके बाद अपन तीसरा स्टेप लाएंगे, जैसे ही धागों को अलग करने के बाद धागों को लपेटना, रिलिंग द फिलामेंट्स, तंतुओं को लपेटना। तो रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द फिलामेंट्स फ्रॉम द कोकून। तो यदि आप सिंपल एक साधारण भाषा में रिलिंग क्या होता है, तो रिलिंग ये होता है कि धागे जो उलझे हुए धागों हैं उनको सुलझाना, कोकून से उनको अलग करना, ठीक है। अनवाइंड द फिलामेंट्स फ्रॉम द कोकून, सिल्क फिलामेंट्स आर अनवाइंड इन द रिलिंग प्रोसेस एंड कंबाइंड टुगेदर टू मेक ए थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क। तो उससे कोकून से धागों को अलग करना और फिर उस धागे को एक कच्चे रेशम के रूप में प्राप्त करना, तो ये प्रक्रिया या ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिलिंग कहलाता है। एज फिलामेंट ऑफ ए सिंगल कोकून इज टू फाइन, एक कोकून का जो धागा होता है वो बहुत महीन होता है। द फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 कोकून आर जॉइंटेड टुगेदर, मतलब 4 से 8 कोकून से जो तंतु प्राप्त किए हैं रेशम के उनको एक साथ जोड़ा जाता है, ट्विस्टेड एंड आर देन कंबाइंड विथ ए नंबर ऑफ अदर सिमिलर ट्विस्टेड फिलामेंट्स, ठीक है ना। तो एक कोकून से यदि उसका एक कोकून से अपन यदि धागा रेशम का प्राप्त करते हैं वो बहुत महीन होता है, इसलिए 4 से 8 कोकून से प्राप्त किया हुआ जो रेशम का धागा होता है उसको आपस में जोड़कर दूसरे और फिलामेंट्स के साथ भी जोड़ दिया जाता है, या ट्विस्टेड मतलब उसके साथ वाइंड अप कर दिया जाता है। सिमिलरली ट्विस्टेड फिलामेंट टू मेक ए थ्रेड दैट इज वाउंड ऑन ए रील। तो सिंपल एक धागा नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे और धागे जोड़ के उसको उसके ऊपर रील के ऊपर लपेट लिया जाता है। एज द रिलिंग ऑफ द फिलामेंट्स फ्रॉम ईच कोकून नियर्स कंप्लीशन इट इज रिप्लेस्ड द अनदर कोकून। तो जैसे जैसे करते रहते हैं तो उसके बाद दूसरे कोकून को भी उसी प्रक्रिया में निकालते हैं। तो ये तीन प्रक्रिया हो गई किसकी, फिलिएचर ऑपरेशन की, जब आपने इसको स्टिपलिंग कर लिया, मतलब उसको गर्म करके उससे उसको सॉफ्ट बना लिया कोकून को, कोकून को सॉफ्ट बनाने के बाद आपको धागा अलग करना है, तो उस प्रक्रिया के लिए इसको फैक्ट्री में ले जाता है, जिसको बोलते हैं फिलिएचर ऑपरेशन, मतलब एक चरखे के द्वारा धागों को अलग करना होता है। तो उसके तीन प्रोसेस होते हैं, शॉर्टनिंग कोकून, सॉफ्टनिंग द सीरीसिन और रिलिंग द फिलामेंट्स। तो ये तीन प्रक्रियाओं के पश्चात रिजल्टिंग इज ए, तो इन तीन प्रक्रियाओं के पश्चात अपन को क्या प्राप्त, कच्चा सिल्क प्राप्त होता है, कच्चा रेशम प्राप्त होता है, विच कंस्टिट यूजली ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर्स। तो जिसके अंदर सामान्यतः करीब करीब 48 रेशम के धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं। द सीरीसिन एक्ट एज एडेसिव इन होल्डिंग, ये तो अपन पहले ही बात करेगी, एडेसिव के रूप में यदि चिपकाने के रूप में जो तंतु होते हैं ये सिल्क के उनको चिपकाने में सहायक होता है। होल्डिंग द सेवरल फिलामेंट टुगेदर वाइल दे आर कंबाइंडिंग टू फॉर्म द सिंगल थ्रेड, यदि अपन उसको धागे को एक धागे के रूप में भी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे तंतु रेशम के एक जुड़ के एक धागा बनता है, तो उसमें ये सीरीसिन उसको चिपकाने में या उसको जोड़ने में सहायता करता है। द लेंथ ऑफ द रिलेड फिलामेंट इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 mile लॉन्ग, ठीक है, 1/4 mile लॉन्ग, मतलब 1 mile का चौथा भाग एक धागा होता है लगभग। द टर्म रिलेड सिल्क इज यूज टू द रॉ सिल्क स्ट्रैंड्स ओपनिंग बाय द कंबाइनिंग सेवरल फिलामेंट्स फ्रॉम ए सेपरेट कोकून। तो अलग अलग कोकून से अलग अलग तंतु प्राप्त करके उनको आपस में जोड़ के एक स्ट्रैंड बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेड सिल्क बोलते हैं, उस प्रक्रिया को रील्ड सिल्क कहा जाता है, मतलब लपेटी हुई रेशम, ठीक है ना, जिसको चक्री के ऊपर लपेटा हुआ रील्ड सिल्क कहा जाता है। तो जो रेशम बन रहा है तो वो एक कोकून से नहीं, 4 से 8 कोकून के रेशम के धागों को मिलाकर एक थ्रेड या एक धागा बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रील्ड सिल्क या रील्ड रेशम। द सिल्क फिलामेंट्स रील्ड इन टू स्किन्स, स्किन्स मतलब ये लच्छा, तो ये लच्छे अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्किन्स हो सकते हैं बॉल के रूप में जो आप डायग्राम देख रहे हो, विच आर पैक्ड इन स्मॉल बंडल्स, मतलब उनको बंडल बना लिए जाते हैं, वेगिंग अबाउट 5 to 10 pounds, जिनका भार 5 से 10 pounds हो सकता है, तो ये स्किन्स है। तो ऐसे अपन धागों का अलग करके, तो ये धागा सिंगल धागे के साथ साथ बहुत सारे महीन तंतु होते हैं जो अलग अलग कोकून से निकाले जाते हैं, तो ये स्किन्स है जो आप डायग्राम में देख रहे हो, तो ये स्किन्स है, ये बॉल के रूप में इसको
लपेट लिया तो ये वो हो गया, ये हैंक इसको कहेंगे, ये कैक कहेंगे। तो ये अलग अलग रेशम के धागे हैं जिनको अपन ने लपेट लिया है, तो इसको आप स्किन्स और यहाँ पर इसको लच्छा कहते हैं। तो ये रील सिल्क है जिसको आपने, रील रेशम है जिसको अलग अलग तरह से आपने लपेटा है। तो ये अलग अलग तरह से लपेटा है तो उसके आधार प्रिंट के अलग अलग नाम है। जैसे ये जो कट्टा दिख रहा है इसको स्किन्स बोलेंगे, स्किन्स बोलेंगे इसको, बॉल बोलेंगे इसको, हैंक बोलेंगे इसको, कैक कहेंगे। थ्रोविंग, थ्रोविंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, मतलब थ्रोविंग होता है कातना। इस प्रक्रिया थ्रोविंग को प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का प्रोसेस जिसमें कातना, ट्विस्टिंग मतलब कातना, मतलब थ्रोविंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ वन आर मोर थ्रेड्स ऑफ ए रॉ सिल्क इन टू ए स्ट्रैंड सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग फॉर ए वीविंग आर नाइटिंग। तो थ्रोविंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा कच्चे धागों को मिलाकर इतना उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया जाता है कि वो कपड़ों में और पोशाक के बनाने में काम आ सके, मतलब वो कमजोर नहीं हो। तो थ्रोविंग उस प्रक्रिया को बोलते हैं, मतलब धागों को इतना कातने हैं कि जिससे बहुत सारे तंतु मिलकर एक कठोर धागा का निर्माण होता है, और उस धागे से फिर अपन क्या करते हैं, कपड़ों का निर्माण करते हैं या पोशाकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रोविंग प्रक्रिया या थ्रोविंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द रॉ सिल्क फ्रॉम लूम बाय ट्विस्टिंग एंड डबलिंग इट टू द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड थिकनेस। तो जैसी मोटापा चाहिए जिस जैसा कपड़े का, या उसकी कितनी कठोरता चाहिए, कितना कैपेबिलिटी चाहिए कि कितने लंबे समय तक वो कपड़ा रहे, तो इस प्रक्रिया के अंदर जो कच्चा रेशम है उसको लूम के अंदर ले जाके उसको ट्विस्टिंग किया जाता है, मतलब बुना जाता है, और उसको डबल ट्रिपल क्वार्टर मतलब इतने धागे उसके साथ कितने हो सकते हैं, एक धागे के अंदर कितने तंतु हो सकते हैं, तो जिससे कि वो उसका थिकनेस मोटापा हो या पतला चाहिए कैसा चाहिए, तो वो इस प्रक्रिया के थ्रू गुजारा जाता है। उस प्रक्रिया को अपन थ्रोविंग करते हैं, जिससे कि कपड़ा आपको किस प्रकार का चाहिए, पतला कपड़ा चाहिए, मोटा कपड़ा चाहिए। थ्रोविंग इज ड्राइव फ्रॉम ए एंजिलो सैक्सन वर्ड थ्रोन मीनिंग टू ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब कातना होता है या उसको लपेटना, बुनना उसको। द रॉ सिल्क स्किन्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू साइज, तो अपन अभी जो लच्छे बोले उनको अपन छोटा कर सकते हैं उसके आकार के आधार पर। ठीक है ना, किसके किस प्रकार का वो स्किन्स हो सकता है, तो वो स्किन्स साइज के आधार पे हो सकता है, रंग के आधार पे हो सकता है, लेंथ के आधार पे हो सकता है, क्वांटिटी के आधार पे। द रॉ सिल्क स्किन्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द साइज, तो जो जितनी भी कच्चा सिल्क है उसकी स्किन्स है वो अलग अलग कर दिए जाते हैं, माप के आधार पर, रंग के आधार पर, लंबाई के आधार पर, कितनी क्वांटिटी का है, कितने माप का है, कितने भार हो उसके आधार पर। तो दीज आर देन सोक्ड इन ए वार्म वाटर विथ ए सोप आर ऑयल, फिर इनको क्या कर दिया है, डुबो दिया जाता है गर्म पानी के अंदर, और यहाँ पर विथ साबुन और तेल के साथ। दस दिस सॉफ्टनिंग ऑफ द सिरिसिन एड्स इन हैंडलिंग द थ्रेड, तो ये फिर वापस क्या करते हैं, और जो सिरिसिन होता है उसके अंदर जो अपने छोड़ दिया था आगे की प्रक्रिया के लिए, कि भाई 1% हो गया था तो पीछे पीछे जो सिरिसिन बच गया था वो फिर वो और सॉफ्ट हो जाता है यहाँ पर आते आते। आफ्टर मैकेनिकल ड्राइंग द स्किन्स आर प्लेस्ड ऑन ए लाइट रील्स, अब जैसे ही इसको मैकेनिकल, जैसे ही अपने उसको क्या किया उसके अंदर डुबोया, तो थोड़ा बहुत और सिरिसिन निकल गया, तो उसके पश्चात इसको मैकेनिकल सुखाया जाता है। द स्किन्स आर प्लेस्ड ऑन ए लाइट रील्स, यार इसके बाद ऐसी भी हो सकती है आपको जो सिलाई की मशीन से उसमें देखने को मिलेगी, और ये लकड़ी की भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है जो आप डायग्राम में देख रहे हो। तो फिर जो लच्छे थे उनके धागे को निकाल के उनको इन रील्स के ऊपर, ये रील है तो इनके ऊपर लपेटना, तो ये कहलाता है रीलिंग प्रोसेस। तो उन धागों को लच्छे से निकाल के इन लीप के ऊपर, रील के ऊपर लपेट लिया जाता है। तो आफ्टर मैकेनिकल ड्राइंग द स्किन्स आर प्लेस्ड ऑन ए लाइट रील्स फ्रॉम विच द सिल्क इज वाउंड ऑन ए बॉबिन्स, तो इनके ऊपर लपेटने के पश्चात ये प्रक्रिया रह जाती है कि उसको आसानी से फिर बॉबिन्स मतलब चरखी के ऊपर लपेट लिया जाए। इसके पश्चात ड्यूरिंग दिस वाइंडिंग ऑपरेशन सिंगल स्ट्रैंड्स मे बी गिवन एज ए डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, आप मतलब आपको कितना भी उसको ट्विस्ट करना हो एक एक धागे को, तो आपके अनुसार उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, इफ़ 2 or more यार्न्स आर टू बी डबल इट दे आर ट्विस्टेड अगेन इन द सेम डायरेक्शन, तो ये आप जो देख रहे हो ये जो कट्ठा है इसको अपन यार्न कहते हैं। तो इफ़ 2 आर, तो इसको अपन ये मतलब एक साइड में सीधा नहीं है, जैसे आप ये धागे देख रहे हो तो ये इधर ले गए फिर इसको इधर लपेटा, तो ये अपनी इच्छा अनुसार इसको आपने कैसे ट्विस्ट किया है, किस डायरेक्शन में ट्विस्ट किया है, तो
वही कह रहे हैं, इफ टू आर मोर यार्न्स आर टू बी डबल्ड एंड द ट्विस्टेड अगेन इन द सेम डायरेक्शन आर इन द रिवर्स डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ थ्रेड टू बी मेड, तो जिस प्रकार का जैसा धागा होता है उस प्रकार का उस यार्न के अंदर उस धागे को उल्टा सीधा या आड़ा तिरछा जैसे आप चाहते हैं उस प्रकार से इसको लपेट सकते हैं, जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। और ये यार्न है और इसके अंदर ये जो धागा लपेटा हुआ है ये एक इस डायरेक्शन में फिर वापस इस डायरेक्शन में ये एंगल में सीधा नहीं है, तो इसको आप तार की तरह ही होता है, इसको आप सामान्य भाषा में यार्न होता है इसको सूत कह सकते हो। फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क थ्रेड्स मे बी प्रोड्यूस बाय द थ्रोविंग प्रोसेस, तो जो थ्रोविंग ट्विस्टिंग प्रक्रिया है जैसे अपन धागे को, ठीक है ना, धागे को कपड़े के लिए बनाते हैं, तो उसको आप अलग 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 प्रक्रिया में ढाल सकते हैं। जैसे द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क थ्रेड्स मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द थ्रोविंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स थ्रोन सिंगल, तो मतलब धागे के अंदर एक जो धागा बनाया उसके अंदर कितने तंतु हुए उसके आधार पर वो अलग अलग धागा टाइप्स हो सकता है, जो सिंगल्स हो सकता है, इसके नाम से ये अलग अलग, ये नेम से अलग अलग, ट्रैप जिसको कह सकते हो, क्रैप कह सकते हो, ऑर्गेन्जाइन कह सकते हो, तो ये आगे अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। थ्रोन सिंगल्स आर इंडिविजुअल रॉ सिल्क, ये कच्चा थ्रेड है, देट आर ट्विस्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, तो उनको काटते समय उनको सिर्फ एक ही दिशा में काटा जाता है। द नंबर ऑफ ट्रेंड्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ थ्रेड्स, जिस प्रकार का उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी है उसकी किस्म है उसके आधार पर उसको उसके टन लिए जाते हैं। यूजली 3 to 8 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क फिलामेंट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, तो इसमें क्या है से 3 से 8 तंतु मिलाकर एक धागे के अंदर उसको ट्विस्ट किया जाता है, उसको काटा जाता है टुगेदर इन ए वन डायरेक्शन टू द यार्न टू द फ्रॉम ए यार्न कॉल्ड ए सिंगल, तो इस प्रकार को क्या कहेंगे सिंगल यार्न बोलेंगे, ठीक है ना, सिंगल यार्न जिनके अंदर मतलब एक धागा है लेकिन उसके अंदर तंतु 3 से 8 तंतु मिलाकर, तो ये आगे आएगा डायग्राम में जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई ये कितने प्रकार के यार्न है, ये तो सिंगल्स यार्न, ये ट्रेम यार्न, ये क्रेप यार्न, ये ऑर्गेनाइज यार्न, तो सिंगल यार्न मतलब जिसके अंदर एक ही डायरेक्शन में धागे को पिरोया जाएगा या काटा जाएगा और उसके उस एक धागे के अंदर 3 से 8 तंतु हो सकते हैं जो मिलकर एक धागा का निर्माण करते हैं, जिस ये देख रहे हो आप, ठीक है ना, तो यहाँ ये देख रहे हो बहुत सारे तंतु हैं, यहाँ आपको ये 3 दिख रहे हैं, यहाँ ये देख रहे हो बहुत सारे हैं, तो ये अलग अलग टाइप्स के क्या है यार्न है। तो सिंगल यार्न के बाद में बात कर ली, अब द टू द लूज ट्विस्ट सिंगल्स कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 ट्विस्ट पर इंच एंड आर यूज्ड फॉर द वेफ्ट यार्न, तो ये वेफ्ट यार्न में इस प्रकार का जो ट्विस्ट होता है 2 or 3 ट्विस्ट पर इंच होते हैं तो उसको वेफ्ट यार्न बोलते हैं। द हार्ड ट्विस्ट सिंगल्स हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ ट्विस्ट पर इंच एंड आर यूज्ड इन ए सीर फाइबर्स, तो सिर के जो कपड़े होते हैं सिर्फ फैब्रिक्स के कपड़े होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का उपयोग किया जाता है, सिर मतलब महीन जो कपड़ा होता है तो उनके अंदर इस प्रकार का ये वेफ्ट यार्न प्रकार के जो वेफ्ट यार्न प्रकार के जो धागे होते हैं उसको उपयोग में लिया जाता है, जिनके अंदर कंस्टिट्यूट ऑफ 2 or 3 ट्विस्ट ही होते हैं, 1 से 2 बार ही उसको लपेटा हुआ होता है या उसके अंदर ज़्यादा वो कुंडलित नहीं होता है। द हार्ड ट्विस्ट सिंगल्स हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ ट्विस्ट पर इंच, एक इंच के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्ट होंगे वो घुमा हुआ होगा या उसको बुना हुआ होगा 1 से ज़्यादा बार, तो ये सिर्फ फैब्रिक्स में मतलब महीन जो कपड़ा होता है उसमें इसको उपयोग है। ट्रेम यार्न इज ए मेड अप ऑफ 2 or more सिंगल, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा धागों से मिलकर एक धागा बनता है, ट्विस्टेड एंड डबलेड एंड इज यूज फॉर द वेफ्ट आर वेरियस फैब्रिक, तो ये जो वेरियस प्रकार का अलग अलग प्रकार की पोशाकों के कपड़े होते हैं उनमें या वेफ्ट प्रकार के जो वेरियस कपड़े होते हैं उनके अंदर इसका इस प्रकार के यार्न का ट्रेम यार्न का उपयोग लिया जाता है। ऑर्गेंजाइन जो यार्न है इज ही मेड ऑफ ए सिंगल ट्विस्टेड वन भी, तो ये एक बार बुना हुआ होगा और एक ही तरफ होगा, तो देन डबलेड एंड ट्विस्टेड, फिर इसको डबल किया जाता है और फिर काटा जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस यूज फॉर द रेप ऑफ हैवी फैब्रिक्स, जो भारी कपड़े होते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज प्रकार का यार्न से के जो धागे होते हैं रेशम के उनको उपयोग लिया जाता है। फिर है क्रेप यार्न, क्रेप इज ए सिमिलर टू ऑर्गेनाइजन, ये भी एक ऑर्गेनाइजन की चर्चा, बट इज ए ट्विस्टेड टू मच ग्रेटर एक्सटेंट, ये लंबे तक इसको काटा जाता है। क्रेप थ्रेड इज इम्प्लॉयड इन द वीविंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्रिंकली फैब्रिक्स, जो सिलवटदार जो कपड़े होते हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइजन टाइप का जो यार्न होता है उससे जो प्राप्त होते हैं जो रेशम के धागे उनको सिलवटदार कपड़ों में यूज लिया जाता है। एंड सिंगल थ्रेड यूज फॉर ए सियर फैब्रिक्स, और एक जो धागा होता है वो महीन कपड़ों के लिए उपयोग में लिया जाता है। और डिग्यूमिंग ऑफ थ्रोन सिल्क, द प्रोसेस ऑफ डिग्यूमिंग इन्वॉल्व पुटिंग थ्रोन सिल्क यार्न
थ्रू फाइनल स्वाब बाथ टू रिमूव द सीरिसिन। अब ये जो प्रोसेस, ये सबसे अंतिम का प्रोसेस है, इसमें जो सीरिसिन जो बचा हुआ था वो सारा का सारा सीरिसिन निकल जाता है। तो जो यार्न थे सिल्क के, उनको क्या करता है, स्वाब के पानी में डाल दिया जाता है, जो जिसके अंदर साबुन हो, और उसके अंदर सीरिसिन को हटा दिया। दिस प्रोसेस ब्रिंग आउट द नेचुरल लस्टर। इसकी वजह से क्या, जो प्राकृतिक उसकी चमक है और जो प्राकृतिक उसकी सॉफ्टनेस है, ठीक है ना, वो आ जाती है रेशम की। एज मच एज 25% ऑफ द वेट इज लॉस्ट बाय द डेगमिंग प्रोसेस। तो इसकी प्रोसेस की वजह से, क्योंकि सीरिसिन था पहले फाइब्रोन के अंदर, तो उसका थोड़ा भार था, तो ये जैसे ही डेगमिंग किया इस सिल्क का, तो ये सिल्क का क्या हुआ, भार जो है वो 25% तक कम हो जाता है। वैन द गम हैज़ बीन रिमूव्ड, गम मतलब जो सीरिसिन है वो हट गया, द सिल्क फाइबर्स आर फैब्रिक इज क्रीमी वाइट। तो इसकी वजह से जो सिल्क फाइबर है वो आपको क्रीम की तरह दिखने लग गया, वाइट हो गया उसका कलर, और ब्यूटीफुल लस्टर उसकी बहुत अच्छी सुंदर चमक आने लग गई, और वो लग्जरेंटली बहुत सॉफ्ट मुलायम हो गया। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, डेगमिंग प्रक्रिया कहते हैं जिसको, ठीक है ना। और इससे जो प्राप्त हुई वो सिल्क क्या कराएगी, थ्रोन सिल्क कराएगी। लेट अस डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ स्पून सिल्क। अब स्पून सिल्क तो जिसको आपने, बहुत सारी जो सिल्क है जिसको आपने कपड़ा बनाने में काम ले गया, और उसके बावजूद जो बच गई है और जो जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कमज़ोर क्वालिटी की है या कम क्वालिटी की है, धागा उसका कमज़ोर है, तो वो प्रकार की जो रेशम है वो क्या कहलाएगी, स्पून सिल्क कराएगी। जिसकी शॉर्टर लेंथ ऑफ इन्फीरियर टाइप्स की, मतलब सुपीरियर टाइप की नहीं, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, कमज़ोर क्वालिटी की या कमज़ोर किस्म की जो रेशम है उसको आप क्या कहते हैं, स्पून सिल्क कहते हैं। विच इज आल्सो हैव वैल्यू इन द प्रिपरेशन ऑफ एपरल। तो इनका भी अपना एक मोल है एक कपड़ों बनाने के लिए, तो ये भी स्पून सिल्क भी कपड़ों में बनाने में काम में ली जाती है। स्पून सिल्क, द शॉर्ट लेंथ ऑफ इंपीरियर सिल्क आर नॉट यूज इन प्रोड्यूसिंग रियल सिल्क। तो ये रियल सिल्क बनाने में इसको काम में नहीं लिया जाता। देज आर द कार्डेड एंड कॉम्बेड एंड आर स्पून एज कॉटन लिनन, जो लिनन में, या आर वूल यार्न आर स्पून। तो ये जो लिनन है, कॉटन है, तो इसके अंदर जो सिल्क उपयोग में ली जाती है, तो स्पून सिल्क इज यूज फॉर ए सेंटिंग एंड पाइल फैब्रिक्स, जो पाइल्स के फैब्रिक होते हैं, पाइल्स कपड़े होते हैं, उनमें द ड्रेस ट्रिमिंग है, लाइनिंग है, ठीक है ना, इलास्टिक जो वेबिंग है उसमें है, सेविंग सिल्क है, फॉर ए वास सिल्क है, वेलवेट है, अम्ब्रेला क्लॉथ कपड़े होते हैं उसको है, इंसुलेटिव मटेरियल्स है, तो उसके अंदर इस प्रकार की सिल्क को काम में, रेशम को काम में लिया जाता है। स्पून सिल्क यार्न आर सॉफ्ट बट दे आर लेस लस्ट्रस। तो ये अपने पहले का बात कर ली, जो अच्छी किस्म की जो रेशम है उसकी क्वालिटी की बराबर इसकी क्वालिटी नहीं होती, ये कम क्वालिटी की होती है, जिसका लस्टर कम होता है, मतलब इसकी चमक भी कम होती है और रंग भी थोड़ा फीका होता है। तो इस प्रकार की सिल्क क्या कहलाती है, रेशम क्या कहते हैं, स्पून सिल्क कहलाती है। स्पून सिल्क यार्न आर सॉफ्ट बट दे आर लेस लस्ट्रस देन रिलेट सिल्क। जो पहले अपने रियल सिल्क की बात, रेशम की बात कर रहे थे, उससे ये कम चमक वाला होता है। आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज इलास्टिक, जिस प्रकार का वो उसमें जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब उस प्रकार का ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, सॉफ्ट होता है ये। स्पून सिल्क फैब्रिक स्टैंड्स टू बिकम फ्यूजी आफ्टर वियरिंग बिकॉज द यार्न मेड ऑफ शॉर्ट ट्रेप स्टेपल। तो ये जब इस प्रकार के जो कपड़े बने होते हैं उसमें कहीं कहीं आपको वो कपड़े बिखरने लगते हैं या उसके अंदर रोंगे आने लगते हैं, तो इस प्रकार के बने हुए जो कपड़े हैं उसमें जो धागा है वो शॉर्ट स्टेपल होता है, तो इस वजह से वो कपड़ा ज़्यादा टिकता भी नहीं है, तो उस प्रकार की सिल्क को स्पून सिल्क कहते हैं। तो ये आपके टॉपिक था रीलिंग ऑफ सिल्क यार्न, सिल्क को कैसे आप कातोगे, बुनोगे और उससे कपड़े कैसे बनाओगे, तो उसके बारे में पढ़ा। उसके दो मैंने मेन टॉपिक प्रोसेस थे, जिसके अंदर पहला था प्रोसेस कि भाई अपन कोकून को पिघला लें, जिसको बोलते हैं स्टेपलिंग, और दूसरा प्रोसेस था कि उसको अपन फैक्ट्री में ले जाते हैं और उसके धागे अलग करते हैं, फिर उसको यार्न बनाते हैं, ठीक है ना, स्किन्स बनाते हैं जिसको लच्छा बोलते हैं, फिर उनको कपड़े बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को फेलियचर ऑपरेशन कहते हैं, जिसके अंदर ये अलग अलग स्टेप्स थे, शॉर्टनिंग कोकून, शॉर्ट कोकून को अलग करना, सीरिसिन को सॉफ्ट करना, पहली बार सीरिसिन को कम निकलता है और बाद की जो प्रक्रिया उनके अंदर धीरे धीरे सीरिसिन को बाहर कम किया जाता है, निकाला जाता है, रीलिंग द फिलामेंट्स, और फिर उसको फिलामेंट्स को रील के चारों तरफ लपेटना। तो ये प्रक्रिया थी जो पोस्ट कोकून प्रोसेस, मतलब कोकून बनने के पश्चात कोकून से अपन को रेशम कैसे प्राप्त करना है, उसके धागे कैसे बनाने हैं, उसको कैसे कातना है, कैसे बुनना है, और फिर कैसे उससे कपड़े बनाने हैं, और रॉ सिल्क क्या होती है, और स्पून सिल्क क्या होती है, और किस मेथड से इसको गुजारना है। तो ये इस टॉपिक के अंदर आपको
पढ़ने को समझने को मिला। और इसके पश्चात अपने इस यूनिट का जो थर्ड पेपर का यूनिट है इसका लास्ट टॉपिक रहेगा जो सिल्क वॉर्म में होने वाले जो रोग है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू।